हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को, आप सब कैसे हैं? बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो एक न्यू स्टोरी है हमारे बाके बिहारी जी के परिवार की, वो हम आप सब से शेयर करते हैं। तो वो क्या है, वो आइए जानते हैं। बाके बिहारी जी का जो मंदिर है वो जमीन से प्रकट हुई थी बाके बिहारी जी की विग्रह। हम मूर्ति नहीं बोलेंगे, विग्रह बोलेंगे। जाने क्यों करते हैं बार बार बाके बिहारी जी के सामने पर्दा, तो इसके पीछे का राज क्या है, ये हम आइए जानते हैं सबके सब। बाके बिहारी जी का जो मंदिर है, वृंदावन भारत की पावन भूमियों में से एक है। श्री वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं से साक्षात जीवांत प्रमाण माना जाता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा हुआ है। बहुत ही पावन नगर है वृंदावन। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए। वृंदावन में श्री कृष्ण जी को बहुत सारे मंदिर हैं जो अपनी बनावट और शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर का इतिहास चमत्कारों से भरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं बाके बिहारी जी का चमत्कारों से और जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। पहले मैं आप सबको बता दूं, हम हिंदू जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वह बाके बिहारी जी को बहुत मानते हैं और उनके दिन पे दिन जो चमत्कार हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब तो सबके घरों के अंदर ही सब लड्डू गोपाल जी की और हमारे ठाकुर जी की जो है सेवा होने लगी है नटखट गोपाल की तरह, ठीक है। दूसरा यह है कि अब तो देश विदेश के लोग भी हमारे बाके बिहारी जी को बहुत मानने लगे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग जाते हैं तो इस्कॉन जाते हैं और सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर अंग्रेजों के दर्शन होते हैं, जो कि अब वो भी अपने, और सबसे अच्छी बात बताओ ना कि वो हमसे ज़्यादा मतलब ठाकुर जी की पूजा करते हैं, मानते हैं उनको। और जो आजकल के फिर भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो फिर भी अभी तक नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि बाके बिहारी जी का जो विग्रह है वो जमीन से कैसे प्रकट हुआ था, ठीक है। तो जो पंडित इंद्रमणि घन सायल बताते हैं कि वृंदावन के बाके बिहारी जी का जो मंदिर का इतिहास काफी रोचक रहा है। मान्यताओं के अनुसार स्वामी श्री हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भाव निरीवन में भक्ति किया करते थे। उनके हृदय से केवल भगवान श्री कृष्ण ही बसे हुए थे। वो इतना सुंदर भजन गाते थे, जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे। और वो बिहारी जी के इतने अच्छे भक्त थे, इतने मतलब मैं क्या बताऊं, भाव से वो भजन गाते थे और निधि वन में वह भक्ति करते थे। पहले की बात बता दूं, जो बाके बिहारी जी का जो आज विग्रह वृंदावन के अंदर है वो पहले निधि वन के अंदर था, ठीक है। पहले बाके बिहारी जी निधि वन में थे, उसके बाद में वह बाके वृंदावन के अंदर लाए गए हैं, ठीक है। पहले बाके बिहारी जी का जो मंदिर था वो था आपका निधिवन के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण के स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने हरिदास जी की भक्ति को देखकर उनको निधिवन के अंदर दर्शन दिए। काले रंग की एक पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। कुछ दिन में स्वामी हरिदास ने निधिवन में बाके बिहारी जी का पूजा की। उसके बाद अपने परिजनों की सहायता से बाके बिहारी जी का मंदिर का निर्माण करवाया और बाके बिहारी जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर प्रतीत हुई। जो कि मैं आप सबको बता दूं, बाके बिहारी जी के साथ में राधा रानी का भी विग्रह था। तो श्री हरिदास जी ने ये बोला कि बिहारी जी, मैं आपका तो श्रृंगार कर दूंगा परंतु लाडली श्यामा जो है उनका श्रृंगार में कैसे करूंगा। तभी आपने देखा होगा बाके बिहारी जी के बिल्कुल समक्ष राधा रानी का श्रृंगार होता है, आपने बाके बिहारी जी के मंदिर के अंदर देखा ही होगा, ठीक है। तो ये था, ये हरिदास जी ने बोला, तब उनको हरिदास जी ने उनका जो विग्रह था वो प्रकट करवाया और मंदिर का निर्माण करवाया
हमारे श्री हरिदास जी ने। और हरिदास जी के नाम से हमारे कृष्ण जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जब भी तो कहते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और अब आ जाते हैं, बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है बिहारी जी के सामने। वाकई तो वैसे तो बहुत सारे भक्तों को, सभी को पता है, लेकिन ये उनके लिए है जिनको अभी तक पता नहीं है। ठीक है, एक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए श्री धाम वृंदावन आए। तब वह टकटकी लगाकर भगवान बांके बिहारी जी की जो विग्रह था उसको निहारने लगे। तो भगवान ने उस भक्त का प्रेम में वशीभूत होकर उनके साथ ही चल दिए। जब पंडित जी ने मंदिर में देखा कि भगवान श्री कृष्ण की विग्रह नहीं है, तो उन्होंने भगवान से बड़ी मनोहर के और वापस मंदिर में चलने को कहा। तब से ही बांके बिहारी जी के विग्रह के सामने बार 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 पर्दा लगाया जाता है कि बिहारी जी की नज़र किसी भी भक्त से ना लग जाए। अगर भक्त से एक बार नज़र लग गई बिहारी जी की, तो वो वहाँ से साक्षात चल देंगे अपने भक्त के साथ में। इसीलिए इसी कारणवश बार बार पर्दा लगाया जाता है हमारे बिहारी जी के सामने। तो ये तो था कि बिहारी जी के सामने क्यों पर्दा लगाया जाता है, इसीलिए तो बार बार पर्दा लगा देते हैं कि हमारे बिहारी जी जो है ना बहुत बड़े नटखट हैं और वह अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए बार बार बिहारी जी के सामने पर्दा लगाया जाता है। ये देखो हमारे लड्डू कितना क्यूट है, इनको बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनना। और आजकल देखते हैं बिहारी जी के दिन पे दिन जो चमत्कार है वह बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब कलयुग इतना बढ़ने लगे हैं कि अब ठाकुर जी को, ठाकुर जी की घर घर में पूजा हो रही है। अभी अभी मैं मानूँ तो अभी मेरे को लगता है 4-5 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है। अब ठाकुर जी का बहुत ज़्यादा सब लोग प्रेम करने लगे हैं और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होने लगी है। तो कोई सखा रूप में लेकर आते हैं, कोई बेटे के रूप में लेकर आते हैं, कोई भाई के रूप में लेकर आते हैं, सब अलग अलग रूप में अपने कृष्णा की सेवा करते हैं। तो यही था आज का टॉपिक। तो आप सबको अच्छा लगा हो तो इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा। और मैं कहती हूँ कि सनातन धर्म से जुड़िए, ये सनातन धर्म बहुत अच्छा है। जो सनातनी अपने हिंदू हैं उनसे भी मैं विनती करूँगी कि आप सब भी अपने धर्म को जानिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।